नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत। स्वागत करता हूं आप सभी का जीत स्टॉक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग को लेकर। कई लोगों के मन में सवाल उठते होंगे कि ये फास्ट चार्जिंग क्या है और स्लो चार्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है, क्या आपका स्मार्टफोन जो चार्ज होता है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है या स्लो चार्जिंग, कैसे पता करें कि आपका जो मोबाइल का एडॉप्टर है, जो चार्जर है, वो फास्ट चार्जर है या फिर स्लो चार्जर है। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा एडॉप्टर होता है, इसमें टाइप का ये यूएसबी टाइप का पोर्ट दिया होता है, कनेक्टर दिया होता है, तो ये क्या फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और अब आपने देखा होगा कि एक नया चार्जर आ गया है जिसमें ये जो एडॉप्टर है, चार्जर एडॉप्टर, इसमें जो पोर्ट दिया है ये यूएसबी पोर्ट ना देके टाइप सी पोर्ट वाला जो है कनेक्टर दिया है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या यूएसबी वाला जो कनेक्टर होता है वो बेस्ट है या फिर टाइप सी पोर्ट वाला जो कनेक्टर दिया रहता है एडॉप्टर में वो बेस्ट है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कितने पावर का आउटपुट दोनों देते हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So hey guys, this is Jeet and welcome to all in Jeet's Talk. दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बाजू वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे जो भी न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो चार्जर होते हैं एडॉप्टर, इनमें जो ये कनेक्टर दिए होते हैं इनके बारे में। जो हमारे नॉर्मल चार्जर होते हैं आप देखते हो कि इसमें यूएसबी कनेक्टर दिया होता है, मतलब ये होता है टाइप ए का पोर्ट। अब जो यूएसबी टाइप का जो पोर्ट दिया होता है हमारे एडॉप्टर में, ये हमारे स्मार्टफोन को थोड़ी स्लोली चार्ज करता है, बट जो टाइप सी पोर्ट वाला एडॉप्टर होता है और उसमें जो ये पोर्ट दिया होता है, ये हमारे स्मार्टफोन को तेजी से जो है चार्ज करता है। मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि ये कितने वॉट का जो है हमें आउटपुट देते हैं, पावर देते हैं। जो हमारे नॉर्मल एडॉप्टर होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 वॉट तक का हमें पावर देते हैं, मतलब हमारे स्मार्टफोन को चार्ज करने में पावर देते हैं। बट जो टाइप सी पोर्ट वाले एडॉप्टर आजकल आपने देखे होंगे आने लगे हैं मार्केट में, तो ये हमारे स्मार्टफोन के लिए जो है 100 वॉट तक का पावर देते हैं, मतलब इससे पाँच गुना ज़्यादा यदि ये पावर देंगे आउटपुट में, तो पाँच गुना तेज़ी से जो है हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट्स होंगे ये चार्ज होंगे। तो मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जो नॉर्मल एडॉप्टर होते हैं ये स्लो चार्ज करते हैं हमारे स्मार्टफोन को, और जो टाइप सी पोर्ट वाले एडॉप्टर होते हैं वो स्मार्टफोन को तेजी से चार्ज करते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे पता करें कि हमारा जो एडॉप्टर है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है या फिर स्लो चार्जिंग को, मतलब ये कितने वॉट का जो है आउटपुट देता है हमारे स्मार्टफोन के लिए। तो यदि आपको चेक करना है कि आपका जो ये चार्जर एडॉप्टर है ये कितने वॉट की आउटपुट जो है देता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा होगा, तो इस आउटपुट में देखेंगे कि 5 वोल्ट × 2 एम्पियर, मतलब 5 × 2 हो गया 10 वॉट, मतलब मेरा जो ये एडॉप्टर है ये 10 वॉट की पावर देता है, मतलब मेरा स्मार्टफोन जो है 10 वॉट की स्पीड से चार्ज होता है। इसी टाइप से आप अपने एडॉप्टर को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ लिखा होगा, यदि आपका चार्जर जो है 10 वॉट या 20 वॉट का आउटपुट देता है तो आप समझ लीजिए कि 20 वॉट का मतलब फास्ट चार्जिंग हो गया। जो नॉर्मल एडॉप्टर होते हैं कई कई 5 वॉट का आउटपुट देते हैं, बट जो टाइप सी पोर्ट वाले एडॉप्टर होते हैं वो 100 वॉट का आउटपुट देते हैं, इसलिए वो फास्ट चार्जर होते हैं और हमारे स्मार्टफोन को बहुत तेज़ी से चार्ज कर देते हैं। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है तो आने वाले दिनों में सभी स्मार्टफोन में अब टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ जो एडॉप्टर होंगे वो टाइप सी पोर्ट के भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि ओनर ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया है उसके साथ उसने जो एडॉप्टर दिया है चार्जिंग एडॉप्टर वो दिया है टाइप सी पोर्ट। अब यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये फास्ट चार्जिंग होती है ये सिर्फ हमारे मोबाइल का जो चार्जर एडॉप्टर होता है उस पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये हमारे स्मार्टफोन पर भी डिपेंड करता है कि हमारा स्मार्टफोन जो है वो चार्ज होगा फास्ट तरीके से या फिर नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन में एक चिप लगी होती है जो हमारे पावर को कंट्रोल करता है। यदि आपका स्मार्टफोन, जैसे मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में जो चिप लगी है वो 10 वॉट से ज़्यादा का पावर जो है कंज्यूम नहीं कर सकता, और यदि आप उसको चार्ज करते हैं फास्ट चार्जर से, मतलब 20 वॉट का आउटपुट देने वाले चार्जर से यदि आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं और आपका स्मार्टफोन जो है 10 वॉट से ज़्यादा का पावर कंज्यूम नहीं कर सकता, तो आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्ज नहीं होगा। चाहे आप कोई भी फास्ट चार्जर यूज कर लें, चाहे वो 20 वॉट से भी ज़्यादा का हो, बट आपका स्मार्टफोन यदि 10 वॉट तक का इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंज्यूम करता है तो वो उसी स्पीड से चार्ज हो। अब
यहाँ पर आपको बता दूं कि जो फास्ट चार्जिंग होते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, क्योंकि ये आपके स्मार्टफोन को बहुत जल्दी से तेज़ी से चार्ज करता है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्मार्टफोन होता है वो हीटअप होता है, हीट करता है। हीट करने से क्या होता है, इसकी जो बैटरी लाइफ होती है वो ख़राब होती है। जो स्मार्टफोन जितने जल्दी चार्ज होता है उसकी बैटरी लाइफ उतनी ही कम होती है, और जो स्मार्टफोन जितनी स्लोली स्लोली चार्ज होते हैं उसकी बैटरी लाइफ उतनी ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आप फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग के बारे में समझ चुके होंगे कि क्या होता है फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी तो चेंज हो रही है, तो आने वाले दिनों में जो भी स्मार्टफोन या डिवाइसेज आएंगे वो टाइप सी पोर्ट वाले ही आपको देखने को मिलेंगे। टाइप सी पोर्ट की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही फास्ट तरीके से जो है चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि ये 100 वॉट तक का जो है पावर आउटपुट में देता है, तो आपके स्मार्टफोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि ये जो हमारे एडॉप्टर के पोर्ट होते हैं इसमें जो यूएसबी पोर्ट दिया रहता है और जो टाइप सी पोर्ट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी आप समझ चुके होंगे। इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बाजू वाली उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे जो भी न्यू वीडियो आती है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपके सारे डाउट जो है कमेंट बॉक्स में ही क्लियर कर दूंगा। यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिए, बी हैप्पी इन योर लाइफ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।